गुड आफ्टरनून डियर ऑल स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक हमने सोरगम में लोकल नेम्स ऑफ सोरगम तक पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर सोरगम। बेसिकली ज्वार या सोरगम इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप। इट मीन्स एक लगभग जैसे कि गर्म जलवायु वाली फसल हम इसको बोल सकते हैं। इट थ्राइव्स वेल अ टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग इसके लिए जो अच्छा तापमान या अच्छा टेम्परेचर माना गया है वो कितना है, 25 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बट बिलो 16 डिग्री इज नॉट गुड फॉर द क्रॉप। अगर 16 डिग्री से नीचे चला जाता है तापमान तो ये क्या है, आपकी जो क्रॉप की जो ग्रोथ होती है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, स्टॉप कर देगा। उसके बाद ज्वार क्रॉप रिक्वायर्स रेनफॉल अबाउट 40 सेंटीमीटर एनुअली। मतलब लगभग इसको 40 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। सोरगम इज एक्सट्रीम ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप एंड रिकमेंडेड फॉर ड्राई रीजन्स। जितने भी सूखे या ड्राई एरियाज जिसको हम बोल सकते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग जहाँ पर होती है, तो उसमें उस एरिया में ये क्रॉप सबसे बेटर ग्रो होती है, क्योंकि ये क्या है, ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप, सूखे से प्रभावित नहीं होती है, इसको आसानी से आप ग्रो कर सकते हो उस ड्राई एरियाज में भी। टू मच ऑफ मॉइस्ट एंड प्रोलॉन्ग ड्राई कंडीशंस आर नॉट सूटेबल फॉर ज्वार कल्टिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयल रिक्वायरमेंट्स फॉर सोरगम। सोरगम क्रॉप एडप्ट वाइड रेंज ऑफ सोइल बट ग्रोज वेल इन सैंडी लॉम सोइल्स। वैसे तो जो आपकी सोरगम है उसको लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, बट अगर हम बेस्ट सोइल की बात करें तो वो क्या है, सैंडी लॉम सोइल। हैविंग गुड ड्रेनेज या जल निकास जिसको हम बोलते हैं, वो सिस्टम अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए आपके फील्ड में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोइल पीएच रेंज बिटवीन कितनी होनी चाहिए, 6 से 7.5 के बीच में। सोइल पीएच रेंज ऑफ 6 to 7.5 इज आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशन एंड बेटर ग्रोथ। इसके अच्छे कल्टीवेशन के लिए, इसकी बेटर ग्रोथ के लिए लगभग कितना पीएच चाहिए, 6 से 7.5। द मेन फील्ड शुड बी प्लाउड एंड लेवल्ड टू फाइन टिल्थ फॉर वीड फ्री सोइंग। उसके बाद इसमें मैं आपको फील्ड प्रिपरेशन में एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि हम जब भी हम प्राइमरी टिलेज करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज लेते हैं, जो अपनी सोइल है उसको क्या करते हैं, कट करते हैं, लिफ्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, टर्न द सोइल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेकेंडरी टिलेज में आ जाते हैं, जिससे जिसके जैसे कि हम सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपने को कौन सा सेकेंडरी टिलेज सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लूज द सोइल, मतलब जो बिल्कुल थोड़ा बारीक चूर्ण जिसको हम बोलते हैं डस्टी टाइप जिसको हम बोल सकते हैं, उस टाइप से आपको सीड बेड प्रिपेयर करना है। और वो किसके माध्यम से आप कर सकते हो, या तो हैरो आप यूज़ कर सकते हो या कल्टीवेटर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड रेट एंड सोइंग। देखो सीड रेट एंड सोइंग में यहाँ पर बेसिकली इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको दो तीन चीज़ें जैसे बता देता हूँ कि जब भी आप फोडर ओनली फॉर आपकी जो आपका जो पर्पज़ है मेनली सोरगम को ग्रो करने का, अगर फोडर के लिए, तो लगभग आप कितनी सीड रेट आप लोगे, 35 से 40 केजी पर हेक्टेयर। अगर आपका पर्पज़ फोडर प्लस ग्रेन के लिए है तो लगभग आप कितना लोगे, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। और ओनली फॉर द ग्रेन के लिए अगर आपको लेना है तो 9 to 10 केजी पर हेक्टेयर आपको सीड लेना है। सीड रेट ऑफ 35 to 40 केजी पर हेक्टेयर इज वेल इनफ एंड सोइंग शुड बी कैरिड आउट बाय ड्रिलिंग एट द रेट रो टू रो डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। सीड ब्रॉडकास्टिंग शुड बी अवॉइडेड इफ़ यू आर डूइंग फोडर प्लस ग्रेन। आफ्टर दैट द सीड शुड नॉट बी सोड मोर देन 2-3 सेंटीमीटर डेप्थ। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की जो गहराई है वहाँ तक ही आपको क्या करना है, आपका सीड डालना है। उसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की हम बात कर लेते हैं। द मेन फील्ड शुड बी एडेड विद 10 to 15 टन ऑफ FYM
FIM जब भी यहाँ पर आ जाता है, मैंने आपको बताया है, लगभग आपकी सोइल को ग्रो करने से पहले या सीड सोइंग करने से पहले लगभग आपको क्या करना है, एक मंथ पहले या 28 दिन पहले आपको FIM क्या करना है, मिलाना है आपकी सोइल में, टू मेक द सोइल रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है, प्लस जो आपका सोइल का कार्बन है उसको भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है एट द टाइम ऑफ सोइंग। बेसल एप्लीकेशन ऑफ 60-40-40 kg NPK should be applied 35 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर लाइक टॉप ड्रेसिंग 1 month आफ्टर सोइंग। कब करना है आपको टॉप ड्रेसिंग, आफ्टर 1 month। उसके बाद 60-65 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर शुड बी अप्लाइड इन लो रेनफॉल, जब आपके बारिश कम हो रही हो, एंड रेन फेड एरियाज एट सोइंग टाइम, और जहाँ पर अच्छी बारिश होती है वहाँ पर आपको कब करना है, सोइंग टाइम पर। इन सल्फर डिफिशियंसी सोइल 45-60 kg सल्फर पर हेक्टेयर आपको क्या करना है, यूज़ करना है, शुड बी एडेड विच नॉट ओनली इम्प्रूव्स बायोमास बट आल्सो क्वालिटी ऑफ योर क्रॉप, योर ग्रेन, योर फोडर फॉर एनी अदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। सोइल टेस्ट शुड बी डन एंड अकॉर्डिंग अप्लाई द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एट द टाइम ऑफ सोइल प्रिपरेशन। मैंने आपको फर्स्ट में भी ये चीज़ बताई थी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रॉप के लिए सोइल टेस्टिंग आप करवाओ, उसमें जितने मेजरमेंट्स, जितनी भी डिफिशियंसी जिस न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर्स की आती है, तो उसके लिए फर्स्ट जो हम स्टेप लेते हैं वो आपकी FIM वर्मी कंपोस्ट, मतलब जितनी भी नेचर प्राकृतिक खादें हैं तो उनके उनको हम यूज़ करके अपना जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी उसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन इन सोर्गम, इफ़ द क्रॉप इज सोन इन मानसून टाइम, इट मींस जुलाई, इट मे रिक्वायर 1-3 इरिगेशन डिपेंडिंग अपॉन रेंस। अगर बारिश थोड़ा आगे या पीछे, मतलब इसके डेज आगे पीछे जल्दी या थोड़ा लेट हो जाए, तो उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। फॉर समर क्रॉप, अगर आप समर वाले सीजन में अगर फोडर के लिए यूज़ कर रहे हो, तो लगभग 6-7 इरिगेशन मे बी कैरिड आउट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। गर्मियों में क्या होता है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है फील्ड से, इसलिए लगभग 6-7 सिंचाई की आपको आवश्यकता होती है। इन साउथ इंडिया में इसको रबी सीज़न में भी ग्रो करते हैं। बेसिकली हमारे राजस्थान में बहुत सारी जगह फोडर के लिए रबी वाले सीज़न में भी यूज़ करते हैं और खरीफ वाले सीज़न में भी यूज़ करते हैं। रबी सीजन क्रॉप्स नीड अबाउट 4-5 इरीगेशन, लगभग 4-5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड कंट्रोल। इंटरकल्चर ऑपरेशन इन सोर्गम बाय हैंड होइंग फिजिकल मेथड, जब भी हम इंटरकल्चर ऑपरेशंस करते हैं तो बेसिकली जहाँ तक कोशिश हो या आप क्या करो, फिजिकल वाले मेथड यूज़ करो, तो उससे आपकी जो क्रॉप में हर्बिसाइड्स वगैरह के जो कॉस्ट है वो भी नहीं आएगी और एकदम बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आप फोडर या ग्रेन को ग्रो कर सकते हो। टू कंट्रोल द वीड्स इन सोरगम क्रॉप, वीडर कम मल्चर शुड बी यूज्ड टू गिव 1 होइंग एट द रेट 3 वीक्स क्रॉप स्टेज, लगभग 3 सप्ताह की आपकी जब क्रॉप हो जाए तो आपको फिजिकल मेथड यूज़ करके बाय द हैंड होइंग या वीडर कम मल्चर, आजकल तो बहुत सारे वीडर आ गए हैं जो भाई आप जब आपकी लगभग 21 दिनों की फसल हो जाए तो आप वीडर को भी यूज़ कर सकते हो फील्ड में। शुड यूज़ प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ एट्राजीन एट द रेट 0.5 kg पर हेक्टेयर इन 650 लीटर ऑफ वाटर, लगभग 650 लीटर पानी में आपको क्या करना है, घोल बनाकर 1 हेक्टेयर के लिए यूज़ करना है लीटर्स ऑफ वाटर टू कंट्रोल द वीड्स इफेक्टिवली। बेसिकली अगर हम फोडर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप ग्रेन के लिए कर रहे हो तो अब आपको वीड कंट्रोल करना है बेसिकली, तो अगर फोडर के लिए करोगे तो ज़रूरी नहीं है वीड कंट्रोल करना। हार्वेस्टिंग ऑफ ज्वार, द क्रॉप विल बी रेडी इन सिंगल कट वेराइटीज फॉर हार्वेस्टिंग 65-75 days आफ्टर सोइंग और 50% फ्लावरिंग स्टेज। अगर आपको लगभग जैसे कि फोडर के लिए आपको 50-55 दिन की जब आपकी क्रॉप हो जाए तब भी आप इसको कट कर सकते हो फोडर के लिए, अगर थोड़ा कम, जैसे कि अगर बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि जब
30 दिन की या 30 डेज की आपकी जो सोरगम हो जाती है उसको उसके पहले भी बहुत सारे कट कर लेते हैं और अपने एनिमल्स को अपने जानवरों को खिला देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक एसियन एसिड पाया जाता है जो कि अगर उसकी क्वांटिटी 200 इज ग्रेटर देन PPM है तो वो क्या करेगा, एक तरीके से पॉइजन वाला काम करेगा। तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। इन मल्टी कट वेराइटीज फर्स्ट कट शुड बी डन एट द रेट 45 to 50 days, जो मैंने अभी बताया आपको, लगभग 45 to 50 days। एंड सबसिक्वेंट कट शुड बी कैड एट 1 month इंटरवल। लगभग क्या करना है आपको, जब भी आप कटाई करो, लगभग जैसे आज कटाई कर ली तो लगभग जो आप नेक्स्ट हार्वेस्ट करोगे, नेक्स्ट जो कटाई करोगे वो कब करना है आपको, लगभग एक मंथ के अंतराल के बाद आपको अगली कटाइयाँ करनी है। ईल्ड ऑफ ज्वार की हम बात कर लेते हैं। गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड गुड वेराइटी ऑफ सोरगम, अगर आप अच्छा प्रबंधन करते हो अपने खेत का तो लगभग आपको 1000 kg per hectare आपकी ईल्ड आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।